मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर बिजनौर पहुंचे। सीएम ने जिले से जुड़ी 235 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मालन नदी के तट पर लगाए जाने वाले 5000 वृक्षों के पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया और नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण और कलेक्ट्रेट में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया गया। सीएम द्वारा आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई, साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में दंगे होते थे, अब 5.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है। यूपी में अब निवेश आ रहा है और रोजगार का सृजन हो रहा है, हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बन रहा है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकास बाधित होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है, परिणाम है रोजगार का सृजन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य किया तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और उसके तहत उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। बिजनौर जनपद, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये वे जनपद है जो बहुत दूर है, राजधानी लखनऊ से दूर होने के बावजूद चुपचाप विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं बिजनौर जनपद में ही रहूंगा और बिजनौर जनपद में रुक करके यहाँ के समग्र विकास की रूपरेखा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के प्रशासन के साथ, यहाँ के विभिन्न संगठनों के साथ बैठ करके उस रूपरेखा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चाहे यहाँ के चीनियों के पुनरुद्वार का कार्य हो, चाहे वह बिजनौर में टैक्सी के नई बटालियन की स्थापना का कार्य हो, चाहे वहां पर शिक्षा हो, उद्योग हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत पहले से ही के अंतर्गत उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।